नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज बरेली। मैं अंश माथुर, आइए डालते हैं नजर आज के समाचारों पर। अवैध शस्त्र बनाने की फैक्ट्री पकड़ने के लिए पुलिस कर्मियों को वर्दी उतारनी पड़ गई। गुरुवार सुबह सिपाही कच्छा बनियान व गमछा पहनकर कटरी पहुंचे और दो लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। उनके पास से 3 बंदूकें, 4 तमंचे व शस्त्र बनाने के उपकरण भी बरामद किए गए हैं। एसपी शाहजहांपुर एस आनंद ने थाना अध्यक्ष दिलीप कुमार भदौरिया को छापा मारने के निर्देश दिए। गुरुवार सुबह मोहनपुर कलुआपुर गांव में पुलिस टीम तड़के 4 बजे गंगा किनारे पहुंची, जहां पर उन्होंने वर्दी उतार कर जीप में ही रख दी। इसके साथ ही कच्छा बनियान के साथ असला छुपाकर सिपाहियों ने गंगा नदी पार की। करीब 5 किलोमीटर पैदल चलकर कटरी की झाड़ियों के बीच बनी अवैध शस्त्र बनाने की फैक्ट्री में दो लोगों को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि ये दोनों आरोपी क्षेत्र के सीउड़ी गांव निवासी शिवजी व उमरपुर गांव निवासी श्याम सिंह हैं, जो गंगा किनारे बनी अवैध शस्त्र फैक्ट्री में पूरी जोर शोर से शस्त्र बनाने का काम कर रहे थे। मौके पर पहुंची पुलिस ने रंगे हाथों इनको पकड़ लिया, जिसके बाद इनके पास से कई अवैध शस्त्र निर्मित और अर्धनिर्मित बरामद कर लिए गए हैं। देख सकते हैं आप कि किस तरीके से पुलिस ने इन दोनों को धर दबोचा और लगभग 5 किलोमीटर की दूरी इसी तरीके से बिना वर्दी के पुलिस कर्मियों को ये दूरी तय करनी पड़ी। अब पुलिस पकड़े गए दोनों आरोपियों से पूछताछ कर रही है। इसी के साथ ही अब वो ये जान रही है कि वो इसकी सप्लाई कहां कहां करते थे, इसी के साथ ही उनके तार किन ग्रोह से जुड़े हुए हैं। ऐसे ही विभिन्न पहलुओं पर अब पुलिस ने अपनी जांच शुरू कर दी है।